हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चौथा चैप्टर एनसीईआरटी बुक का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 4.3 के आपको पहले चार सवाल करके दिखाएंगे, जिनमें हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख किस प्रकार खींचते हैं सिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न से, पहला भाग है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है एक्स जमा वाई बराबर चार, हमें इसका आलेख खींचना है। आलेख मतलब आपने इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ नोटबुक में ग्राफ आपने इसका खींचना है। ग्राफ बनाने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए निकाल रहे हैं, एक्स जमा वाई बराबर चार है, आप यहां से वाई का मान निकाल लेंगे। वाई बराबर, ये जो एक्स है ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा, चार माइनस एक्स, ये एक समीकरण आ गई। इसमें आपने अब एक्स का मान रखना है, एक्स का मान जीरो रखने पर, सबसे पहले कोई भी एक अपनी तरफ से लिख सकते हैं, एक्स बराबर मैंने जीरो रख लिया, यहां पर मैं एक्स की जगह पर जीरो रखा, देखिए क्या बनेगा, वाई बराबर चार माइनस एक्स की जगह पर जीरो लिखूंगा तो क्या बचेगा, चार माइनस जीरो चार। तो हमारे पास पहला मान आ गया एक्स जीरो वाई चार, ये पहला बिंदु आ गया। इसी प्रकार एक और बिंदु निकालना आपने, अब आप एक्स का मान एक रख सकते हैं, एक रखने पर आपने उसी समीकरण में एक्स का मान एक रखना है। अब यानी जो ये समीकरण थी फिर से लिख देता हूं, चार माइनस एक्स, इसमें एक्स की जगह पे मैंने ये एक लिखना है, तो बनेगा चार माइनस एक बराबर तीन। तो देखिए अब एक्स बराबर जब एक रखा तो वाई बराबर तीन आया, दो बिंदु हमने निकाल लिए। इन दो बिंदुओं की सहायता से अब हमने इसका आलेख यानी कि ग्राफ बनाना है। तो आपने ग्राफ नोटबुक पे इस प्रकार से एक x अक्ष और एक y अक्ष लगाना है, ये मूल बिंदु है आपका O, ये y y डैश और ये x x डैश, इस पे हम बिंदु लगाएंगे। देखिए बराबर दूरी पर आपकी ग्राफ कॉपी में खाने बने होते हैं, एक दो तीन चार पांच, इसी प्रकार y अक्ष पर भी एक दो तीन चार पांच। देखिए जो पहला बिंदु था हमारा वो क्या था, पहला बिंदु था x बराबर जीरो y बराबर चार, तो y का मान चार और x जीरो के सामने, ये जीरो है इसके सामने चार पर, ये बिंदु बन गया पहला बिंदु, ठीक है। इसके निर्देशांक हो गए x जीरो y चार, ये पहला बिंदु आया था। दूसरा बिंदु हमारा आया था x एक y बराबर तीन, तो देखिए एक के सामने और y के सामने तीन, ये y के सामने तीन और ये x के अक्ष के सामने एक के सामने बिल्कुल तीन, ये दूसरा बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक है x एक y तीन, ठीक है। ये जीरो चार हम यहां लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देना है, एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा की तरह, इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा आएगी। इस बिंदु का नाम आप ए लिख सकते हैं, इस बिंदु का नाम बी, और इस सरल रेखा के ऊपर आप समीकरण लिख देंगे जो हमें प्रश्न में दे रखी थी, x जमा वाई बराबर चार। ये पहले प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है और हमें इसका आलेख खींचना है। आलेख हमने बताया था ग्राफ को बोलते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी भी रैखिक समीकरण का हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जो रैखिक समीकरण दे रखा है इसमें जो माइनस वाई है आप इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, एक्स बराबर ये दो, ये माइनस वाई इधर जाके जमा का बन जाएगा दो जमा वाई, ये एक रैखिक समीकरण आ गया हमारे पास दो चर में एक्स और वाई में। अब हमने दो बिंदु निकाल लें तो सबसे पहले मैं वाई का मान जीरो रख देता हूं, वाई बराबर जीरो रखने पर, तो देखिए एक्स बराबर दो जमा वाई के स्थान पे जीरो जब रख देंगे आप तो क्या बनेगा, दो जमा जीरो दो, तो देखिए एक्स दो वाई जीरो, ये पहला बिंदु आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार एक और दूसरा बिंदु निकाल लेंगे, अब आप लिख देंगे वाई बराबर एक रखने पर, जो हमें समीकरण दिया हुआ था x बराबर दो जमा वाई, इसमें हम y की जगह पर एक रख देंगे तो क्या बनेगा, x बराबर दो जमा एक, यानी दो जमा एक तीन, तो यानी x बराबर तीन और y बराबर एक, ये दूसरा बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम इसका ग्राफ लग खींच देंगे यानी कि आलेख। तो देखिए ग्राफ नोटबुक पे आपने बनाना है, ये इस तरह से वाई अक्ष होता है, आप एक लाइन लगा लेंगे, और ये एक्स अक्ष यानी कि x एक्सिस, ये मूल बिंदु है जीरो ओ, y ओ यहां y डैश, ये x ओ
एक्स डैश, अब आपने बराबर दूरी पर जिस प्रकार से ग्राफ कॉपी में खाने बने होते हैं वहां पर बिंदु लगाने हैं एक्स अक्ष पर, एक दो तीन चार, इसी तरह वाई अक्ष पर भी एक दो तीन चार। अब देखिए जो पहला बिंदु था हमारा जो आया था वो था एक्स दो और वाई बराबर जीरो, यानी ये वाई जीरो है और एक्स दो ये रहा, तो ये पहला बिंदु बनेगा हमारे पास एक्स दो वाई जीरो जिसके निर्देशांक हैं। दूसरा बिंदु हमारे पास निकला था एक्स बराबर तीन वाई बराबर एक, तो एक्स तीन के सामने और वाई बराबर एक के सामने जो बिंदु आएगा ये, इसको ऐसे डॉट लगा के सर्कल कर देना, इसका नाम बी लिख देंगे आप, पहले वाले बिंदु का नाम ए लिख लेते हैं, और इसके निर्देशांक आए हैं एक्स तीन वाई एक। अब इन दोनों बिंदुओं को आपने स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देना है, इस तरह से एक लंबी लाइन खींच देंगे तो ये सरल रेखा आ जाएगी। ये सरल रेखा जो है इस समीकरण का आलेख है जो हमें दी हुई थी प्रश्न में एक्स माइनस वाई बराबर दो। पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं, वाई बराबर तीन एक्स, ये समीकरण दे रखी है आपको, दो चर में रैखिक समीकरण है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं पहले और दूसरे भाग में दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो पहला बिंदु निकालने के लिए आप एक्स बराबर जीरो रख लीजिए, तो लिख देंगे एक्स बराबर जीरो रखने पर, क्योंकि जीरो बहुत आसान होता है, यहाँ एक्स की जगह पे जीरो जब लिखेंगे आप तो क्या आएगा, वाई बराबर तीन और एक्स की जगह पे जीरो, यानी तीन को जीरो से गुना करेंगे, तीन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, तो देखिए हमारे पास पहला बिंदु आ गया एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, ये ग्राफ का पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम एक्स के स्थान पर एक रख लेते हैं, एक्स बराबर एक रखने पर, तो जो समीकरण थी हमारे पास वाई बराबर तीन एक्स, इसमें जैसे ही एक्स की जगह पे आपने एक लिखना आप, तो वाई बराबर तीन और ब्रैकेट में एक, तो तीन कम तीन, तीन गुना एक तीन होता, तो वाई बराबर तीन आ गया, तो ये दूसरा बिंदु आ गया हमारे पास एक्स बराबर एक वाई बराबर तीन। अब ये दोनों बिंदु हमने ग्राफ पे दिखाने हैं, तो देखिए उसके लिए आपने ग्राफ पेपर का यूज करना है, ग्राफ नोटबुक पे से ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से एक वाई अक्ष बनाएंगे और एक एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये मूल बिंदु ओ, यहाँ वाई डैश और यहाँ एक्स डैश, और बराबर दूरी पर जहां पर खाने बने हुए हैं ग्राफ में उनके नंबर लिख देंगे आप एक दो तीन चार, और इसी प्रकार वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ एक दो तीन चार। जो पहला बिंदु आया था ग्राफ का वो हमारा था एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये जो मूल बिंदु होता है ये इसके निर्देशांक होते हैं एक्स जीरो वाई जीरो, तो हम यहां लिख देंगे x0 y0, और दूसरा जो बिंदु आया था हमारे पास वो था x1 और y बराबर 3, तो x1 के सामने और y 3 के सामने जो बिंदु बनेगा वो हमारा ये बिंदु होगा, हम इसका नाम लिख देते हैं a 1 3, x1 y 3, ये दो बिंदु हैं आप, एक तो ये मूल बिंदु आया था 0 0 और एक ये बिंदु a आ गया 1 और 3, इन दोनों को आपने पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देना है, इस तरह से जो सरल रेखा बनेगी ये आपका ग्राफ होगा दिए हुए रैखिक समीकरण का, और जो रैखिक समीकरण दिया हुआ था वो आप यहां लिख सकते हैं y बराबर 3x। पहले प्रश्न पे चौथा भाग कर रहे हैं, 2x जमा वाई बराबर 3 रैखिक समीकरण दिया हुआ है, हमने इसका आलेख खींचना है, हमने आपको पहले तीन भाग सिखाए हैं, आपको आलेख सीखना ग्राफ बनाना जो है आ गया है आसानी से। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसमें से y का मान निकालना है, कैसे, ये जो 2x है ये इधर चला जाएगा दाईं तरफ और माइनस का बन जाएगा 3 माइनस 2x, ये रैखिक समीकरण आ जाता है, सभी भाग में ऐसे ही किया था। अब x का मान हमने रखना है, दो बिंदु चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, सबसे पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, तो लिख देंगे आप x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 0 यानी 2 गुना 0, तो 3 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 0 3, तो ये पहला बिंदु आ गया x 0 y 3, ये हमारा पहला बिंदु आ गया ग्राफ पे लगाने के लिए। एक और बिंदु निकालना है दूसरा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ x को 1 रख लेता हूँ, तो लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए समीकरण फिर से लिख लेते हैं, y बराबर 3 माइनस 2x था, यहां पर आपने 3 माइनस 2 और x की जगह पे 1 लिखना है, तो y बराबर 3 माइनस 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर 1 आ गया, तो ये दूसरा बिंदु आ गया x बराबर 1 y बराबर 1, ये दो बिंदु अब आपने
ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ नोटबुक में आपने इस तरह से एक वाई अक्ष लगाना है और एक एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये जिस बिंदु पर काटते हैं दोनों, ओ मूल बिंदु बोलते हैं इसको। और अब आपने क्या करना है, इन पर बिंदु लगाने हैं बराबर दूरी पर, जो हमारे पास ग्राफ में खाने बने होते हैं। देखिए एक दो तीन चार, इसी तरह वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ एक दो तीन चार। जो हमारा पहला बिंदु आया था वो था x बराबर जीरो वाई बराबर तीन। तो ये x बराबर जीरो है, इसके सामने y अक्ष पर तीन बिंदु, ये रहा। तो यहां पर एक बिंदु हो गया पहला। दूसरा बिंदु आया था x बराबर एक y बराबर एक, यानी x पर एक के सामने और y पर भी एक के सामने जो बिंदु मिलेंगे जहां पर ये दूसरा बिंदु आएगा। तो पहला बिंदु A है, इसके निर्देशांक x जीरो y तीन। जो ये बिंदु B मान लेते हैं इसको दूसरा, x एक y एक, ये दो बिंदु आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देना। तो आपके पास एक सीधी सरल रेखा आ जाएगी जो कि आपका दिए हुए रैखिक समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। और वह रैखिक समीकरण भी आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ था, 2x जमा वाई बराबर तीन। दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 का, लिखा है बिंदु 2, 14 यानी x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 14 है, इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। और दो रेखाओं के जो समीकरण लिखने, तो समीकरण आपको पता है दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें x और y दो चीजें होती हैं। अब हमें x निर्देशांक तो 2 दे रखा है और y निर्देशांक 14 दे रखा है, तो अगर मैं x की जगह पे 2 लिखूं और y की जगह पे 14 लिखूं तो 2 जमा 14 कितना आएगा, 16। तो ये देखिए x जमा y बराबर 16। तो समीकरण बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, आपने जिस समीकरण में जिस बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं x और y उनके मान रखें और उनके मान उस समीकरण को सेटिस्फाई कर दें, यानी जो भी उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है बायां पक्ष या राइट हैंड साइड लिखी है दायां पक्ष, दोनों बराबर आने चाहिए। जैसे हमने लिखा था x जमा वाई, हमने x की जगह 2 लिख के लिखा, y की जगह 14, तो 2 जमा 14 16 होता है, तो हमने x जमा वाई बराबर 16 लिख दिया। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया जो बिंदु 2, 14 से गुजरता है। दूसरी जो रेखा बनेगी, अब आप मान लीजिए माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं इनके बीच में, 2 - 14 कितना आएगा, -12। तो यहां लिख देंगे आप x माइनस और ये y का मान था y बराबर -12। तो ये देखिए ये दूसरा समीकरण आ गया रैखिक समीकरण, इससे ये भी जो समीकरण से जो रेखा बनेगी वो भी बिंदु 2, 14 से होकर जाएगी। प्रश्न में पूछा गया इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो इसका उत्तर है इस प्रकार की असंख्य मतलब अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं। उसने पूछा है क्यों हो सकती हैं और क्यों, तो देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, देखिए इससे एक ये रेखा जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा यही है 2, 14। तो आप इससे गुजरती हुई असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, लिख देंगे क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसीलिए हमने इसका उत्तर लिख दिया था कि इस प्रकार की असंख्य या अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं जो एक बिंदु से पास कर रही है। हमने यहां पर आपको बना के भी दिखा दिया, मान लीजिए बिंदु है तो देखिए हमने इसके ऊपर ये असंख्य रेखाएं बना दी थी। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 4.3 का लिखा है यदि बिंदु 3, 4 यानी x की जो मान है यहां पर 3 है और y का मान 4, क्योंकि निर्देशांक किसी भी बिंदु के x कॉमा वाई होते हैं, समीकरण ये दे रखा है हमें 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है, हमने इस a का मान ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ है बिंदु 3, 4। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण
एक के आलेख पर, आलेख मतलब ग्राफ पर स्थित है, ये हमें दिया हुआ है ऐसा प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहां x का मान 3 और y बराबर ये 4, ये रख देंगे समीकरण एक के अंदर, इसके अंदर देखिए 3 y की जगह पे 4 लिख रहे हैं बराबर a, x की जगह पे 3 लिख रहे हैं जमा 7, ये बन जाएगा 3 चौके 12 बराबर 3a जमा 7, ये 7 जमा का है, किधर आके घटा का हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 3a, 12 में से 7 गए 5 बराबर 3a, तो a का मान क्या आएगा, ये 3 जो है इसके 5 के बटे में आ जाएगा, तो a बराबर 5/3। देखिए प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न कर रहे हैं हम, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, वो कहता है पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 के हिसाब से है, वो कहता है तय की गई दूरी कुल x किलोमीटर है और कुल किराया ₹y है, तो हमने इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है, कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो दे रखा है प्रश्न में कुल दूरी जो तय की गई है वो है x किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है, और कुल किराया भी दिया हुआ है, जो खर्च हुए हैं पैसे कुल किराया वो है ₹y, ठीक है, हमें कहा गया कि जो पहला किलोमीटर है, पहले एक किलोमीटर का किराया ₹8 है, तो पहले किलोमीटर आप लिख लेंगे यहां पर, पहले किलोमीटर का किराया बराबर ₹8, जब एक किलोमीटर चले गए तो कुल दूरी में से जब एक किलोमीटर चलेगा तो बची हुई दूरी वो कितनी बचेगी, पहले दूरी थी x किलोमीटर, उसमें से हमने एक किलोमीटर चल दिया ₹8 खर्च करके, तो उसके बाद कितनी बची, उसमें से हम एक किलोमीटर कम कर देंगे, यानी x माइनस एक किलोमीटर बची हुई दूरी, एक किलोमीटर कम हो गया ना उसमें से, पहला किलोमीटर निकाल दिया तो एक कम हो गया, तो उसके बाद वो कह रहा है दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो ₹5 के हिसाब से है, तो बची हुई दूरी का किराया, अब ₹5 के हिसाब से तो ये 5 से गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना एक्स माइनस एक रुपए, तो देखिए दो तरह के किराए आ गए हमारे पास, अब दो जगह आ गए, एक कैसे कि ये तो था पहले किलोमीटर का किराया ₹8 और ये उसके एक किलोमीटर जाने के बाद जो दूरी बची थी एक्स माइनस एक, उसका बची हुई दूरी का किराया वो आया 5 गुना एक्स माइनस एक, इन दोनों को हमने जमा करना है, क्यों जमा करना है, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा कि जो कुल किराया है वो ₹y है, तो कुल किराया y बराबर ये दोनों किराए जमा हो जाएंगे, पहले किलोमीटर का किराया जमा बची हुई दूरी का किराया, तभी कुल किराया बनेगा 5 गुना x माइनस एक, तो इसको हल कर देंगे, देखिए y बराबर 8 जमा ये ब्रैकेट खोलेंगे आप, 5 इस x से गुना होगा 5x और फिर इस माइनस एक से यानी माइनस 5, तो y बराबर 5x और 8 में से 5 गए 3+3, ये हमारे पास रैखिक समीकरण बन गया है y बराबर 5x जमा 3, हमने इसका अब आलेख खींचना है, आलेख खींचने के लिए हमने आपको बताया था दो बिंदुओं की जरूरत होती है, तो पहला बिंदु निकालेंगे कैसे, x बराबर 0 रखने पर, आपने यहां x के स्थान पे 0 रखना है, देखिए y बराबर 5 इस x की जगह पे 0 लिख देंगे जमा 3, तो कितना आएगा 5 गुना 0 0 0 जमा 3 यानी 3, तो x 0 हमारे पास पहला बिंदु आया x 0 y 3, दूसरा बिंदु एक और चाहिए हमें, वो क्या है, 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही आप 1 रखेंगे y बराबर 5 x की जगह 1 लिख दिया मैंने, देखिए यहां पर जमा 3, तो 5 एकम 5, 5 जमा 3 बराबर 8, तो दूसरा बिंदु आ गया x 1 y 8, ये दो बिंदुओं की सहायता से अब हम इसका आलेख खींच सकते हैं यानी ग्राफ बना सकते हैं, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, ग्राफ कॉपी पे जो आपके खाने बने हुए हैं वहां पर एक आपने वाई अक्ष लगाना है ऐसे, और एक इस प्रकार एक्स अक्ष खींचना है, ये दोनों जहां कट करेंगे वो मूल बिंदु होता है ओ, इसको आप लिख देंगे एक्स ओ एक्स डैश और इसको वाई ओ वाई डैश, अब आपने एक्स अक्ष पर आपकी कॉपी पे खाने बने हुए वहां पर बिंदु लगाने हैं, एक्स की संख्याएं 1 2
तीन चार, और वाई की एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तक लगा ली हमने, क्योंकि जब पहला बिंदु आया था हमारा उसके निर्देशांक थे x जीरो y बराबर तीन, तो x जीरो यहां और उसके सामने तीन y अक्ष पर, ये रहा, ये पहला बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु जो आया था वो था x बराबर एक और y बराबर आठ, यानी x बराबर एक के सामने और y बराबर आठ के सामने, y अक्ष पर ये रहा आठ, इसके सामने यहां पर दो लाइनें बनानी है आपने, एक के सामने और आठ के सामने, जिस बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु आएगा। पहले वाले बिंदु का नाम लिख देते हैं ए, और इसके निर्देशांक है जीरो तीन, एक्स जीरो वाई तीन, और ये इसका नाम लिख देते हैं बिंदु बी, इसके निर्देशांक एक्स एक वाई आठ। ये दो बिंदु आ गए ए और बी, इन दोनों को आपने पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देना, एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा आएगी इस प्रकार। ये हमारा दी हुई रैखिक समीकरण जो हमने बनाई थी वाई बराबर पांच एक्स जमा तीन का आलेख है। तो देखा बच्चों आपने, ये था प्रश्नावली 4.3 कक्षा नौवीं के लिए एनसीईआरटी बुक की निर्देशांक ज्यामिति चौथे चैप्टर की, जिसमें हमने आज आपको पहले चार सवाल समझाए, जिनमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी कि ग्राफ किस प्रकार आप अपनी ग्राफ नोटबुक पे बना सकते हैं सिखाया है। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, देखने के बाद लाइक जरूर करना है, और कक्षा नौवीं के और भी बच्चों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चे आलेख बनाना ग्राफ बनाना सीख सकें। अगर आपने अभी तक YouTube से हमारा चैनल द वेदिक गुरुज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वेदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे हम आपको नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।